सुंदरपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। उसी गांव में एक सीधा साधा मेहनती आदमी हरिया नाम का रहा करता था। हरिया का बड़ा भाई मंजेश था। मंजेश बहुत ही चालू था। वो अपनी हर बात हरिया से मनवा लिया करता था। उसके सामने बस नाटक कर दिया करता था। हरिया सुबह से जब खेतों पर निकल जाता तो उसका पूरा दिन उसी खेत में ही बीत जाया करता था। बहुत ज़्यादा मेहनत करके जब वो पैसा घर में लाता तो उसका मालिक उसका भाई मंजेश रहता था। उसकी पत्नी छोटा सा चाय का ढाबा खोली हुई थी। उसके ढाबे पर भी बहुत सारे ग्राहक रहते थे। वो अपनी छोटी बहन को शहर से बुलाई थी मिलने के लिए। उसकी बहन भी आके ढाबे पर ही मदद कर रही थी। तभी वो परेशान हो जाती। हरिया कहता, अरे भाग्यवान, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास परिवार है। बड़े माँ बाप जैसे हमारे बड़े भैया और भाभी हैं। क्या हुआ, वो हमारे पैसे के मालिक बन रहे हैं, तो उन्हें बनने दो और खुश रहने दो। हरिया की पत्नी कहती, देखो जी, पूरे पूरे दिन मैं और आप काम करते रहते हैं, फिर भी आपकी भाभी मुझे ताना मार जाती है कि मैं यहाँ दुकान के पैसे में से अपने पास छिपा के पैसे रख ले रही हूँ। आपको पता है ना कि मैं एक भी पैसा अपने पास नहीं रखती। उसे हरिया समझाता और कहता, आज सुबह मुझे भी भैया बोल के गए हैं, तो मैं क्या करूँ। तुम उदास मत हो, हम लोग बस मेहनत करते रहते हैं। हरिया वापस लौटता तो उसका भाई डांटते हुए घास लाने को कहता। हरिया खेत से घास लाने चला जाता। बहुत तेज़ धूप थी, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। उसे चक्कर बहुत ज़ोर से आ रहे थे। रास्ते में जब वो घास लेकर लौट रहा था तो उसके दिमाग में एक बात आती। वो सोचता कि दिन रात वो और उसकी पत्नी मेहनत करते रहते हैं और उसका बड़ा भाई दिन रात घर में सोया रहता है। कम से कम वो गाय को चारा तो दे देता। उसकी गैया भी भूखे रो रही थी। नदी के किनारे पे जाके हरिया बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसे अपनी भाई की कही गई बात बहुत बुरी लगती। वो अपनी पत्नी के सामने इसलिए नहीं कहा था ताकि उसकी पत्नी गुस्से में उसे और कुछ ना बोले, क्योंकि हरिया के कहे जाने पर ही उसकी पत्नी घर का काम किया करती थी और फिर ढाबा पे भी मेहनत किया करती थी। हरिया उदास मन से जंगल के पास वाले नदी के पास जाके खुद अकेले में बहुत सारी बातें करता और अपनी भड़ास निकाल के मन हल्का कर लेता। इधर नरेश अपनी पत्नी के साथ बैठा हरिया की चुगली कर रहा था और कह रहा था, हमें इस हरिया पे ध्यान देना होगा, कहीं ये हमारे हाथ से ना निकल जाए। तुम जरा उसकी पत्नी पे ध्यान दो। उसकी पत्नी कहती, हाँ जी, आप सही कह रहे हो। ढाबे पे वो तो कह रही है आजकल ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो कमाई ज़्यादा नहीं हो रही है। हम दोनों को मिलके इन दोनों पे ध्यान देनी होगी। अब बात प्यार से बढ़ानी होगी, गुस्सा के या डांट के नहीं। चलो मैं उसकी पत्नी को खाना लेके जाती हूँ और आप जाके हरिया से मिल लो। वो लोग घर से बाहर निकलती और सर पे बहुत सारा खाना बांधे हुए वो ढाबा की ओर जाती और अपने पति को कहती, ये दूध लेके आप खेतों में चले जाओ और जरा हरिया को दे देना। ये बोलते हुए कि ले भाई, तू पी ले, मेरा छोटा भाई है तू, मुझे माफ़ कर दे अगर मेरी कोई बात बुरा लगा हो तो। उनकी अम्मा ये सारी बातें सुन रही थी। वो कहती, अरे बच्चों, जाके झटपट तुम हरिया को खाना खिला दो। तुम लोग आपस में ये क्या फुसुर फुसुर बातें कर रहे हो। हरिया को दूध देने वो नहीं जाता क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और घर में चुपके से आके सो जाता और कहता, हरिया भगवान थोड़ी है जो उसे प्यार से मनाना बहुत ज़रूरी है। रहने दो गुस्सा, गुस्सा करके वो जाएगा कहाँ। अपनी पत्नी से भी वो झूठ बोल देता। उसकी पत्नी जब आती तो वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता और कहता, मेरे भाई, माफ़ कर दे अपने इस बड़े भैया को, तेरे चरण में मैं गिरा हुआ हूँ। और ज़ोर ज़ोर से दोनों पति पत्नी हंसने लगते। उसकी पत्नी कहती, क्या आप ऐसे ही हरिया के सामने नाटक करके आए हैं। हंसते हुए वो कहता, अरे हाँ भाग्यवान, मैं हरिया के सामने ऐसे ही नाटक करके आया हूँ और उसे भी मैंने मूर्ख बना दिया।
मेरी बातों में वो आ गया। उसे तो लग रहा था कि उसके भैया उसके चरणों में गिरे हुए हैं। वो हंसती, उसे पता नहीं था कि उसका पति उससे भी झूठ बोल रहा है। वो कहीं नहीं गया था। हरिया मन में दुख लिए खेत में बैठा हुआ था। इधर अम्मा आती और गांव में दूध बांटने जा रही थी। वो कहती, बहू घर पे रहना, कम से कम छोटी बहू ढाबे पे रहती है और मेरा बड़ा बेटा इधर उधर का काम देखता है और तुम भी तो घर का काम देखती हो, घर को संभालना ये कम जिम्मेवारी है क्या? उसकी पत्नी कहती, अरे हाँ माँ जी, आप सब लोग चले जाते हो तो मैं एक नींद भी नहीं सोती, दिन रात यहीं धूप में बैठी रहती हूँ। उनके सामने वो अच्छी बन जाती है। अम्मा जी दूध बांटने चली जाती। उनके घर के दरवाजे पे एक साधु महंत जी आते। महंत जी वहाँ आके खड़े होकर भोजन मांग रहे थे। तभी वो कहते, अरे बेटा, मुझे तुम्हारे नसीब में बहुत सारे धन दिखाई दे रहे हैं और ये धन मुझे किसी और का ही लग रहा है। ये बात सुन उसकी पत्नी कहती, अरे बाबा जी, आप जल्दी जल्दी विश्राम कीजिए, यहाँ धूप बहुत है, आप थोड़ी मेरी और नसीब देखिए ना, मेरे ये धन कहाँ से आ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या मेरी मदद करें? बाबा जी कहते, हाँ बेटा, मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले मुझे थोड़ा भोजन करा दो, बहुत भूखा है ये ब्राह्मण, मेरी मदद करो, इतना कर दोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। झटपट वो अंदर से खाना बना के लाती और बाबा जी को खाना देती। बाबा जी हरिया के ससुराल के थे। हरिया की पत्नी का मायके का दोस्त था जो वो यहाँ आता है बाबा जी बनके और नाटक करके उनकी सच्चाई निकलवाने की कोशिश करता। ब्राह्मण के सामने वो लोग सब कुछ बोल देते हैं और कहते हैं, हमें तो हरिया से ही धन कमाना है। तभी वो ब्राह्मण चले जाते हैं। इधर नरेश और उसकी पत्नी बैठे रहते हैं और नरेश कहता, अरे भाग्यवान, ये हरिया और उसकी पत्नी अब तक क्यों घर नहीं लौटे हैं, शाम हो गया, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनकी सच्चाई जानने के बाद हरिया और उसकी पत्नी शहर को चले जाते हैं और वहाँ जाके हरिया बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। वो हर तरह का काम करता, कोई भी मौसम हो उस हिसाब से वो काम काज करता और अपने घर में सामान जुटाया करता था। उसकी पत्नी भी दूसरे के घर काम वाम करके पैसे जुटा लिया करती थी। हरिया कभी सब्जी बेचता तो कभी किसी के यहाँ जाके लकड़ी काटने का काम करता तो कभी ट्रैक्टर चलाता। ऐसे ही करके वो लोग अपने छोटे छोटे धन इकट्ठे करने लगते हैं। अब उन्हें समझ में आता कि इतने दिन से अगर वो धन इकट्ठा करते तो आज उनके पास कितना होता। एक दिन हरिया को अपने भाई की याद आ रही थी। उसकी पत्नी उदास मन से कहती, देखो जी, परिवार के बिना तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, वो लोग हमारे सारे पैसे लेते लेकिन हमारी बुराइयाँ ना करते तो मैं भी यहाँ नहीं आती, हमारा कोई नाम ही नहीं था। और मेरा जो मायके का भाई था वो पता लगाया ब्राह्मण बनके तो सारी सच्चाई निकल गई, आप भी तो देखें। हरिया भी उदास मन से कहता, हाँ मुझे भी यकीन नहीं होता कि मेरे भैया भाभी हम लोग के बारे में ये सब सोचा करते थे, वो लोग हमें मूर्ख और बेवकूफ़ बोल रहे थे। ब्राह्मण रूपी तुम्हारे भाई से वो लोग सारी सच्चाई बताए और कहते हैं कि दोनों मूर्ख हैं पति पत्नी, उन लोगों से तो अभी बहुत धन कमाना है और इसलिए भी हमारे बच्चे भी नहीं हुए तो उसका फ़ायदा भी वो लोग उठा रहे थे और मजाक भी बना रहे थे, हमारा तो छोटा सा परिवार था, कितने अच्छे से हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हरिया के चले जाने के बाद उसके भाई की आँखें खुल जाती और वो अब सही रास्ते पे आ जाता, पूजा पाठ मेहनत सब कुछ करने लगता और फिर वापस हरिया को बुला लाता। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।